तो वडाप्रधान नरेंद्र मोदी संबोधन करे रहा है सीधा जे श्रुति तरफ। पहले किससे बात करनी है मुझे? श्रीमन पहले हम लोग चलते हैं हिमाचल प्रदेश के मंडी मंडी जिले में, जहां श्री हंस राज सर आपसे बात करने के लिए उत्सुक हैं। वो पीएम कुसुम के लाभार्थी हैं। मंडी हिमाचल प्रदेश। हंसराज जी नमस्ते। नमस्कार सर। हंसराज जी, मंडी वाले मिल जाए तो सेपू बड़ी याद आ जाती है। जी सर। अच्छा हंसराज जी, जरा बताइए अपने विषय में और किस योजना का आपको लाभ मिला है। सर मेरा नाम हंसराज, गांव लुणू, पंचायत बरतो, जिला सुंदरनगर का, जिला मंडी का रहने वाला हूं। मैंने, मेरे पास 12 बीघा जमीन थी, जिसमें 2 बीघे में मैं खेती करता था और 10 बीघा जमीन मेरी घास की जमीन थी, घासणी। उसमें मैंने पीएम कुसुम योजना के तहत 500 किलोवाट का सोलर का प्रोजेक्ट लगाया है। महोदय जी, इसको लगाने में मैंने 2.5 करोड़ का खर्चा किया। 2 करोड़ मैंने बैंक से लोन लिया, 10 करोड़ की आपके विभाग द्वारा मेरे को सब्सिडी मिली और 10 लाख की, और बाकी पैसा मैंने अपनी जेब से लगाया। इसमें मेरे प्रोजेक्ट में 4 से 5 मजदूर लगातार काम कर रहे हैं। मैं उनकी पेमेंट भी दे रहा हूं और उनकी पेमेंट भी दे रहा हूं, 2 लाख रुपए किस्त भी दे रहा हूं और 40 से 50 हजार रुपया इस योजना से मैं भी कमा रहा हूं अपनी जेब के लिए। और कुसुम योजना में जी सर, सरकार ने भी आपको मदद की, जैसा आपने बताया बैंक ने भी मदद की, और इसके कारण अगल बगल के लोग क्या आपके यहां आकर के ये प्रोजेक्ट को जानना समझने का काम कर रहे हैं क्या? और भी किसान इस योजना का लाभ ले रहे हैं क्या? मेरी डिस्ट्रिक्ट में मेरे पास कम से कम हजारों आदमी उसको देखने के लिए आए और इस वक्त कम से कम 20-25 आदमियों ने इसके लिए आवेदन भी किया है। अच्छा हंसराज जी, इतना बड़ा आपने एक तो प्रगतिशील काम किया, सोलर पंप कुसुम योजना का लाभ लिया, बिजली भी बचाई, आपके जीवन में क्या बदलाव आया इसके कारण? सर मेरे जीवन में बहुत बदलाव आया। मैं एक गरीब परिवार से संबंध रखता था, आज मेरे पास मेरे बच्चे अच्छी एजुकेशन भी कर रहे हैं और मेरा मान सम्मान भी गांव में भी और इलाके में भी बढ़ रहा है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, आदरणीय जयराम जी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये योजना लोगों के घर घर तक, द्वार द्वार तक पहुंचाई। अच्छा हंसराज जी, आपको ये कुसुम योजना के सिवाय भी तो और की योजना के लाभ मिलते होंगे? जी सर, सभी योजना के लाभ मिलते हैं। ये 2000 रुपया जो हम भेजते हैं किसानों को, वो मिल रहे हैं? जी सर, हमारे खाते में आ रहे हैं। अच्छा जी हंसराज जी, ये जानकर बहुत संतोष हुआ कि इस योजना से जुड़ने के बाद आपने अपने साथ साथ गांव के लोगों के लिए भी रोजगार के अवसर बनाए हैं, और मैं मानता हूं बड़ा सराहनीय काम किया है आपने। आप हिमाचल विद्युत बोर्ड को बिजली देकर हिमाचल के दूसरे गांवों का भी एक प्रकार से बिजली पहुंचाने का काम कर रहे हैं, उनको जिंदगी रोशन कर रहे हैं। आपकी सफलता बहुत प्रेरक है, मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आइए अब किससे बात करेंगे? सर इसके बाद सर श्री कलहा रियान मौजूद है सर, खोवई त्रिपुरा में, ये सौभाग्य योजना के लाभार्थी हैं। श्री कलहा रियान जी। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर। हाँ बताइए। कलहा निनी पारे बुमतामो ताई निनी नंगतामो खाए हम सुनो की चा साई खनारी दी। अच्छा कोला जी, मुझे बताया गया कि आपके गांव में दशकों से बिजली नहीं थी, अब गांव में बिजली आ गई है, तो गांव का माहौल कैसा रहता है? नहीं आ रहा आगे
হ্যাঁ আগে অনেক বছর ধরে কারেন্ট করই হ্যাঁ তাবু খাই কারেন্ট ফাইকা গ্রাম তাবু নিন গ্রাম নিন পাড়াও বুতি টংখা আ কারেন্ট ফাই কারেন্ট ফাইম সময় চুং টং থে মা তো স্যার চুং বন বাই খুশি মা তো হর হক সম্পর্ক চুং কেরেন্সি গুমাই থা আমার বাজার বাই বুচাল লাই ইগে চুং বাজার ফাইনবু 20 কিলোমিটার নাও ইগে চুং আবন বাই চুং না হামবাই মাই আফাই सर इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत खुश है सर। और पहले जब ये सोलर पावर प्लांट नहीं था तो हम लोग केरोसिन यूज करना पड़ता था, तो फिर हम लोग का जो केरोसिन का बाजार है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर दूर है हम लोग के गांव से। फिर हम लोगों को केरोसिन खरीदने के लिए उस बाजार में जाना पड़ता था, लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है कि केरोसिन नहीं मिलता है तो हम लोग का गांव जो है पूरा अंधेरे में रहना पड़ता है। और इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग अभी जो है हम लोग गाँव पूरा उज्जवल हो गया और हम लोग बहुत खुश है सर। अच्छा कोला जी, अब बिजली आ गई तो फिर तो मोबाइल चार्जिंग करते होंगे, टीवी भी आ गया होगा और बच्चे भी घर में टीवी देखते होंगे, क्या क्या होता है? तब खाए नीना और कारण फाइमा पोरे खाए तब मोबाइल वो व्यवहार खाना नंग टीवी वो नाई ना इनके चेरा वो पोरी ना अब तेरा खुद खाए नीना कारण फाइमा पोरे नहीं पा रहा वो कारण फाइमा समय हो गया चौंग हो टीवी बनायो फैन बचा ले वो इनके चौंग ब्रो उनको माय मुझ सोचा मैं परिस्कार के सोचा मैं हाँ इनके चौंग दौड़ रहा है खुशी के फोन चला मैं हाँ इनके चौंग नौ निशा मुझे खेत तो मैं हाँ के चौंग मोबाइल चार्ज भूखे में हाँ। इस सोलर पावर प्लांट मिलने से हम लोग बहुत फायदेमंद हुए सर। जैसे कि हम लोगों को मोबाइल चार्जिंग करना पड़ रहा है अभी इस गांव में, पहले तो हम लोगों को ये मोबाइल चार्जिंग करने के लिए हम लोग बहुत दूर जाना पड़ता था, लेकिन अभी ये सुविधा हम लोग के गांव में ही मिल जाता है और हम लोग का घर में ही मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं। और अभी हम लोग टीवी भी देख सकते हैं सर और हम लोग फैन भी यूज करते हैं सर, जो पहले ये सब हम लोग यूज नहीं कर सकता था अभी ये सब अभी हम लोग यूज कर सकते हैं। और सर यही नहीं सर, जो हम लोगों का जो गांव का जो बच्चा था जो पहले ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाता था क्योंकि उनके रात में अंधेरा हो जाता था और पढ़ाई वढ़ाई कर नहीं सकता था, लेकिन अभी ये सोलर पावर लगने से ये बच्चों के पढ़ाई में भी बहुत सहायता हुआ है सर। और यही नहीं सर, और जो शाम को जो काम करते हैं हम लोग, पहले हम लोग काम नहीं कर पाता था, लेकिन अभी ये सोलर पावर मिलने से हम लोग अच्छी तरह से काम कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग ट्रेडिशनल बेम्बू प्रोडक्ट करते हैं शाम को, और फिर हम लोग जो रात को जो हम लोग ये किचन में जाते हैं, फिर पहले हम लोग ठीक से दिखाई नहीं देता था, लेकिन अभी हम लोग ठीक से साफ से दिखाई देता है और हम लोग ठीक तरह से कर सकते। कोला जी, आपको मालूम है टीवी पर भारत सरकार की तरफ से बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लासेस चलते हैं, आप अगर उसमें डिटेल में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो बच्चों को स्कूल में पढ़ाया जाता है अच्छे से अच्छे शिक्षकों से, आपके बच्चे जिस भाषा में समझ सके, तो सरकार बच्चों को पढ़ाने के लिए टीवी का माध्यम से पढ़ाता है। तो आप जरा उसको ढूंढ लीजिए और अपने बच्चों को भी और गांव के सब बच्चों को टीवी के से भी क्लास पढ़ाया जा सकता है, किताबें पढ़ाई जा सकती हैं, उसको सिखाइए बच्चों को, तो उनका समय का बहुत उपयोग हो जाएगा। कहेंगे करह जी सर सर कलह जी नंगसाय जमान टीवी एक प्रोग्राम फायो जेटा चेरा रंगनो पोईना बगई हिंगे यार फिर चेरा रंगना आरे टीवी होते नाई नो चेरा रंगनो फुरंगमा नो हिंगे आरे नो होते नंग अनेक किसो सरंगमा नो टीवी नाई नो नंग कुनो जागा बताना नाई गया नी पाराओ नो टीवी नाई नंग पोरा सरंगमा नो नंग आमो साय जमान हिंगे नंग आमो जुदि साय में आखा बा टीवी रंग आमदिखे नाई नंगनी चेरा रंगना आमदिखे पोरी रिडी चंगनो वो टीवी यो चंग हिंदू हिंदू बा सारों नो वो इंग्लिश रों नो वो इंगे चंग उनको बिंग पोरे मोर वो चों बिंग शिक्षा के मोर नाई मा तो उनको बिंग उनको बिंग इंग्लिश हाले मोर वो सर हम लोग टीवी में बहुत कुछ देखने को मिलता है, जैसे वीडियो इंग्लिश हिंदी वो सब अभी हम लोग देखते हैं, वो बच्चों का जो पढ़ाई करने का है वो भी हम लोग अभी देखेंगे और गांव वालों में जाके हम लोग समझाएंगे कि ऐसा भी कर सकते हैं जो बच्चों को पढ़ाने के लिए। चलिए कोला जी, आपने बताया कि कैसे अब बिजली आने से बच्चों की पढ़ाई और आपकी पारंपरिक बांस की कला को भी लाभ हुआ है, जीवन को गति देने के लिए पर्याप्त बिजली हर घर में हो इस दिशा में देश तेजी से काम कर रहा है। मेरा आपसे आग्रह यही है कि बिजली बचाने की भी उतनी ही कोशिश करना। अब बिजली आई है तो बस
लट्टू जल रहे हैं, पंखा चल रहा है, कोई घर में है नहीं है तो भी चल रहा है, ऐसा मत करना, गांव वालों को समझा देना। कले हा ताबुक तोड़ने वाले कारण फाइ क्या है? चलिए अब हमारे साथ कौन है, मैं वहां पर आप उनको ट्रांसलेशन कीजिए, मैं आगे चलता हूँ। श्रीमान अब सर हम लोग चलते हैं सर आंध्र प्रदेश, वहां सर विशाखापट्टनम में श्री कागू क्रांति कुमार मौजूद है सर, जो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना से लाभान्वित हुए हैं। श्री कागू क्रांति कुमार, क्रांतिकारो नमस्कार। नमस्कारम सर। सो क्रांतिकारो अपने बारे में जरा बताइए। क्रांतिकारो मी गुरुंची मी रेनंटे कुंचन चेप्पंडी। నా పేరు కాగి క్రాంతి కుమార్, మాది మారుమూల గ్రామం, గిజనామ ప్రాంతమైన రత్నగిరి కాలనీ చింతపల్లి మండలం విశాఖ జిల్లా. మే సుదూర్ గిరిజన్ ప్రాంత్ రత్నగిరి కాలనీ చింతపల్లి మండల్ విశాఖ జిల్లాసే సంబంధిత హూ. క్రాంతిజీ ఆజ్ జబ్ ఆప్ బిజ్లీ హోనే ఆర్ నా హోనే కి దోనో కి స్థితి కి తులనా కర్తే హో తో ఆప్కో క్యా ఫరక్ ఆతా హై? పెహలే బిజ్లీ కి బినా జిందగీ కైసే థీ, अब बिजली आने से जिंदगी कैसी हो गई? करंट राक मुंदु करंट वच्चिन तर्वात मीकु एं तेडा कनिपिंचिंदी? अप्पुडु एला उंदी मी जीवितं, इप्पुडु एला उंदी? मा ऊर्लो करंट सौकर्यं लेनप्पुडु मेमु रात्रि समयंलो पनुलु चेसुकोवडानिकि गानी मरियु एदैना पनुलु चेसुकोवडानिकि गानी पिल्ललु चदुवुकोवडानिकि गानी चाला इब्बंदि पडेवालं सर्। 2015 डिसेंबर लोनी मा ऊरिलो దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామ జ్యోతి యోజన పథకం కింద మా ఊరికి కరెంట్ వచ్చింది సార్। కరెంట్ రావడం వల్ల మాకు రాత్రి వేళలో పిల్లలు చదువుకోవడానికి, టీవీల ద్వారా ప్రపంచంలో జరుగుతున్న విషయాలు తెలుసుకోవడానికి, మరియు ఇంటి వద్దనే మంచినీటి సౌకర్యం పొందుతున్నాం సార్। అలాగే మొబైల్ ఛార్జింగ్ పెట్టుకొని వాడుతున్నాం సార్। విద్యుత్ చాలా చాలా మాకు చాలా చాలా ఉపయోగపడుతుంది సార్। 2015 సే పహలే జబ్ బిజ్లీ కి వ్యవస్థ నహీ థీ తబ్ హమ్ లోగోనే బహుత్ సారీ అసువిధాఓ కా హమే సామ్నా కర్నా పడా। నా రాత్ రాత్ కో మత్లబ్ జో హై పఢాయీ నీ కర్ సక్తే థే, ఘర్ మే మత్లబ్ మహిళాఓ కో మత్లబ్ ఘర్ కా ఖానా బనానే వగైరా మే భీ అసువిధా థీ। ఔర్ చింతపల్లి చూకి జంగలో కే పాస్ హై తో రాత్ కే సమయ సాంప్ కీడే వగైరా మత్లబ్ ఆ జాతే థే, तो हमें जो है बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था। 2015 दिसंबर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के अंतर्गत हमें जो है बिजली की व्यवस्था कराई गई। तब से हमारे पूरे गांव में जो पहले कम परिवार थे गांव में, लेकिन बिजली की व्यवस्था के बाद परिवारों की संख्या भी बढ़ गई और अब जो है जितने भी मतलब परिवार हैं बहुत खुश हैं। अब हम लोग रात को पढ़ाई कर सकते हैं, मोबाइल चार्जिंग कर सकते हैं और जितने भी दिन और रात दोनों समय मतलब हम लोग काम कर सकते हैं, जिससे उत्पादन के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ मतलब किसान यहाँ पर ज्यादा खेती बाड़ी करते हैं, यहाँ स्कूल्स भी हैं जहाँ बच्चे लोगों को रात को भी पढ़ाई की जाती है। और सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि यहाँ मतलब गिरिजन प्रांत जो है दूर तक मतलब कच्ची सड़क है, कच्ची सड़क पार करके कुएं से पानी के पीने का पानी भरकर हम लोग लाते थे, लेकिन आज विद्युत की मतलब जो जब हम लोग को व्यवस्था हो गई तो लोग वहां से सरकार ने मतलब बहुत अथक प्रयास करके हमारे घरों के पास बोरवेल डाल दिया और मोटर वहां फिक्स कर दिया, तो अब हम लोग घर बैठे ही हम लोगों को पीने का पानी मिल जाता है। इसके लिए हम जो है सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। क्रांति जी अभी मैं थोड़ी देर पहले कोल्हा जी से बात कर रहा था, अभी आपसे बात कर रहा हूं और आप दोनों की बात में गांव को क्या फायदा हुआ वो इतना बढ़िया तरीके से आपने बताया। देखिए देश तभी प्रगति करेगा जब उसका प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक गांव, उसके बच्चे, गांव की माताएं बहनें, किसान मजदूर, ये सब प्रगति करे। मुझे संतोष है क्या देश के हर गांव में बिजली जैसी सुविधा पहुंच चुकी है। आपको, आपके गांव, देश के हर ऐसे गांव को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। आइए आगे कौन है जरा देखते हैं, किससे मिलते हैं हम? सर आगे सर उत्तर प्रदेश के वाराणसी में
परमिला देवी जी सर मौजूद हैं, जो सर इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम सर उनके इलाके में लागू की गई है, वो सर आपको अपना अनुभव बताना चाहेंगी। परमिला देवी जी, हर हर महादेव। परमिला जी, परमिला जी कैसी हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर, महादेव का कृपा है सर। अच्छा, अपने बारे में बताइए। और ये सावन महीना चल रहा है तो काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन किया कि नहीं किया? अब कल जाने वाले हैं सर, आज आपसे मिल के कल जाएंगे महादेव के दर्शन करने। तो मेरी तरफ से भी मत्था टिकवा दीजिए। बहुत हाँ सर, मना लेंगे। प्रमला जी बताइए। हम सिगरौल का रहने वाले हैं सर, और सिगरौल का रहने वाले हैं। मैं एक गृहिणी हूँ सर, मेरे पास 4 बच्चे हैं और मेरे एक छोटा किराने की दुकान है जो मैं चलाती हूँ। अगर योगी जी की सरकार के पहले कितनी बिजली आती थी, अब उस हालत में किस तरह सुधार हुआ है? सर मेरे द्वार के पास एक खंभे था बिजली का, जिसमें से बहुत ज्यादा तार फैले हुए थे, इसमें बहुत ज्यादा खतरा बना रहता था, जो अब अंडरग्राउंड हो गया है, सारे तार खत्म हो गया है, इसलिए हम लोग का अब बहुत मतलब अच्छा फील होता है। पहले तो आसमान में देखते थे तो तार ही तार दिखते थे, अब तो काशी भी सुंदर लगता है। अब बहुत अच्छा काशी सुंदर लगता है सर, बनारस बहुत अच्छा लगता है। अच्छा प्रमिला जी, जी बनारस समेत जी देश के बड़े हिस्से में यही स्थिति रही है? हाँ हाँ सर। खुले तारों से लोगों की सुरक्षा को भी खतरा था। हाँ, और खुला तारों से बहुत खतरा था, फॉल्ट भी होता रहता था। आपने अभी बताया कि कैसे अब ज्यादा और बेहतर बिजली मिल रही है, बहुत ज्यादा बिजली मिल रहा है सर, कि हम तेजी से पूरे देश में बिजली की आधुनिक व्यवस्था बनाएं, लोगों का जीवन आसान करें। चलिए, सबको काशीवासियों को मेरा प्रणाम कह दीजिए, हर एक को मेरा हर हर महादेव कह दीजिए। आइए देखते हैं अगले कौन है। सर इसके बाद हम लोग सर अहमदाबाद चलेंगे गुजरात में, वहां सर श्री धीरेन्द्र सुरेश भाई पटेल हैं सर, जिन्होंने अपने यहां सर सोलर रूफटॉप लगाया सर, उससे लाभान्वित हुए हैं, वो सर आपको अपना अनुभव बताना चाहते हैं सर। श्री धीरेन्द्र सुरेश भाई पटेल जी। धीरेन्द्र भाई नमस्ते, केम छो? नमस्ते साहेब, नमस्ते। वरसाद पानी केम छे? सरस 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 छे। चलिए, आप क्या करते हैं धीरेन्द्र भाई, बताइए आपके परिवार में कौन कौन है और किस गांव से बोल रहे हैं आप? असला गांव मारू असला, अमदाबाद जिलो दस्तोई तालुको। धीरेन्द्र भाई बताइए। हाँ बोलो साहब। क्या किया आपने, क्या प्राप्त किया, क्या हुआ आपका? सोलर रूफटॉप लगायू मैं, पहला मारा 2000 रूपया। आप गुजराती बोलिए, कोई समस्या नहीं, गुजराती बोलिए आप। सोलर रूफटॉप लगाया, 4 किलोवाट नो सोलर रूफ लगायू छे मैं, पहला सोलर रूफटॉप लगाया पहला मारे 2000 बिल आवतु तू, अत्यारे टोटल 0 बिल आवे छे ने 750 रूपया खाता में जमा थाय छे। એટલે તમે પહેલા 2000 રૂપિયા ખર્ચો કરતા હતા, એ પણ બચી ગયો અને ઉપરથી 750 રૂપિયાની કમાઈ કરવા માંડ્યા? હવે પહેલા સાહેબ વીજળી હું લેતો હતો, હવે વીજળી વીજ કંપનીના વીજળી આપું છું હવે હું। એટલે તમે હવે વીજળીનું કારખાનું ચલાવતા થઈ ગયા? હા ચલાવતા થઈ ગયા। અચ્છા, આપણે ગામ મેં ઓરોને ભી કિયા હે કે રૂફટોપ વાલા? હા સાહેબ લગાવ્યું, ચાલુ જ છે, બધા લગાવે જ છે, સબ લોગ લગા રહે હૈ, यानी सबको अच्छा लग रहा है कि भाई चलिए रूफटॉप से मुफ्त में बिजली मिलती है और ऊपर से कमाई भी होती है। हाँ, कमाई भी और मुफ्त में बिजली भी मिलती है। अच्छा, सोलर पैनल लगवाने में कितना खर्चा आया आपको और इसके लिए आपको सरकार से कोई सब्सिडी मिली होगी, वो कितनी मिली? 1,20,000 रूपया खर्चा आया
और सरकार थी मने योजना प्रमाणे 45,000 रुपया सब्सिडी मिली है साहेब। अच्छा, तो आपको सब्सिडी भी मिल गई और अब तो 750 रुपया अगर जमा करवाते हैं तो बहुत ही कम समय में आपका पैसा भी कर्ज भी मुक्त हो जाएंगे। आप 3 वर्ष में फ्री थी जैसे साहेब मारु सोलर और 22 वर्ष मफत ज वापरवानू। अच्छा, कल पुरुष वाया। देखिए धीरेन भाई, सोलर पैनल लगाने से पहले और बाद में आपके बिजली के बिल में इतना बड़ा बदलाव आ गया। पहले कभी आप खरीदते थे, आज बेचने लग गए और घर में भी सुविधा हो गई। धीरेन भाई, इस योजना से जुड़ने के बाद आपकी आय भी बढ़ी है। मैं चाहूंगा कि ये इनकम कैसे बढ़ी है, कुछ समझा सकते हैं आप? इनकम पहले बिजली बचे, बिजली में यूज भी करूंगा और पैसा भी मेरा जमा होगा। अच्छा धीरेन भाई, चलिए, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करने का मौका मिला और देश के बहुत लोगों को भी पता चलेगा कि रूपटॉप के कारण अगर इस व्यवस्था से बिजली भी मिलती है और कमाई भी होती है। 8 साल पहले हमारे देश की बिजली की स्थितियां से आप सब परिचित है। गुजरात में तो वो मुसीबत नहीं थी, गुजरात वालों को अंदाज नहीं है, और जो आज गुजरात में 20-22 साल के लड़के हैं उनको पता ही नहीं होगा कि अंधेरा क्या होता है, क्योंकि वहां तो बिजली भरपूर मिलती है। देखिए, आज का भारत ना सिर्फ एनर्जी सरप्लस स्टेट है बल्कि हम बिजली निर्यात भी कर रहे हैं। पिछले 8 साल में देश ने बिजली के क्षेत्र में बहुत बदलाव देखे हैं।